सबसे ज्यादा कास्टिंग करने की लिस्ट में शामिल हो गया। दिनेश का जन्म बेशक गुरदासपुर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश मोहाली में हुई है। दिनेश ने बताया कि शुरू से ही फिल्मों के प्रति रुझान और मॉडलिंग में दिलचस्पी होने के चलते 2007 में मुंबई जा पहुंचे। दिनेश ने बताया कि फिल्म जगत में छोटी बड़ी फिल्में कास्ट करने के अलावा उन्होंने 2000 से ऊपर म्यूजिक वीडियो व अनेकों विज्ञापन भी किए और पंजाबी होने के चलते उनका बॉलीवुड में भी रुझान ज्यादा रहा है। हाल ही में उन्होंने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को मिस्टर एंड मिसेस 420 रिटर्न जैसी हिट फिल्म दी है। मेरा एक रिपोर्ट बनाया है जिला की आ गया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से, दिस इज फॉर नेक्स्ट लास्ट डेट। तो जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है ये वो है 4500। तो ये रिपोर्ट मेरा दर्ज हो गया सेगा, ये मेरे को किताब आई सी थी मई विच। इस लाइन की मेरा शुरू से रुझान सेगा, जिवें कि मेरे दस्या पहले मैं मेरे फादर साहब बड़े चंगे बुलाए हैगे, बहुत वधिया बोलते हैगे। तो यह स्टेज चढ़ते थे इन्हों पूरा यह सिक्योरिटी होंगे से प्रोग्राम का, कल्चर प्रोग्राम का 15 अगस्त 26 जनवरी उत्थे मैं स्टेज चढ़ते थे। इन्हें तो मोटिवेशन मिली, कोई स्किट कर देनी, कोई भंगड़ा पा देना। उस तो बाद इस फील्ड वाले पास रुझान बढ़ता गया। दैन फाइनली मैं सोचा कुछ चीज़ क्रिएटिव, क्योंकि इस तरह फील्ड है ना कास्टिंग डायरेक्शन का, ये बहुत ज्यादा अजय किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। एक फील्ड है विच वॉज बींग नोट एक्सप्लोर एनीवन एट दिस लैवल। मेरी हमने पंजाबी फिल्म आई थी मिस्टर एंड मिसिज 420 रिटर्न्स, जिस जस्सी गिल, रणजीत बावा, गुरप्रीत कुगी जी, जसविंदर भल्ला जी, रीता देवगन जी, करमजीत अनमोल जी,